पटवारियां चले गए तो फर्क नहीं मिलती, या इस तरह जबरदस्ती हो जाती है। जी तो इस तरह की शर्त को दूर करने का क्या? ये बात मैंने यहाँ पर हमारी कभी कभी ना एक नशिस्त चलती है मसाइल की। आप माशाल्लाह आपकी हमारे हमले ही है, आपने सवाल कर लिया, मैं इसकी वजाहत अर्ज कर देता हूँ। और अपना दूसरी बात है कि उसमें हमने इस पे बड़ी तफसीली एक डिबेट जो है वो दे दी हुई है, उसका खुलासा मैं अर्ज कर दूँ। पहली बात तो ये है कि हमारे जो मुल्क की हालात हैं मुआशी तौर पर, वो आज से नहीं बल्कि जब से पाकिस्तान बना है इसके मुआशी हालात में मजबूत होने ही नहीं दिया गया। और इस वक्त भी आप जानते हैं कि हमारा बच्चा बच्चा जो है वो मकरूज है, जब तक मुल्क पाकिस्तान का कर्ज नहीं उतर जाता और जब तक कोई नेक साले और खैर खा हुक्मरान हमें नहीं मिलता, तब तक ये माशी अफरा तफरी ऐसे रहेगी। और इसमें आजकल जितने भी मामलात हैं, चाहे सरकारी है गैर सरकारी है, वो इस लेन देन के बगैर चल ही नहीं रहे। तो ऐसे हालात में मोहतात मसला और फतवा ये है कि अपना हक लेने के लिए अगर आप रिश्वत दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, तो आप राशि और देने वाले गुनाहगार नहीं होंगे, लेने वाला गुनाहगार होगा लेकिन आप नहीं होंगे। और हाँ, अगर आपने उस चीज के लिए पैसे दिए जो आपका हक नहीं था, जो आपका हक नहीं था, तो फिर आप गुनाहगार होंगे। अगर किसी भी दायरे में आपका कोई जायज नारायण हक मौजूद है और वो पैसे दिए बगैर नहीं मिलता आपको, तो वो आप दे सकते हैं, वो रिश्वत के जुमले में नहीं होगा और आप गुनाहगार भी नहीं होंगे, लेने वाला गुनाहगार। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله وبركاته من دوار المؤمنين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. يا حي يا قيوم يا رحمة المستغيث لا تكلنا يا مسلا ترفع عين وسيلة وشمنا رحمنا مولانا يا باركنا تري شكتي في باقي تري إسلام من بيتك. إن حاضرين في موجودك من دارنا تري دار الكتاب القرآن المجيد كي दूसरे पारे का दर्स जो ख़त्म हुआ, या अल्लाह अब तक तेरे आकाम और तेरी तालीमात और तेरे फरमान की रोशनी में जो कुछ या अल्लाह हाजरीन को बताया गया उस पर मुझे भी हाजरीन को भी अमल करने की सहायता।